गुड मॉर्निंग एवरी वन हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर फाइन एंड ऑल्सो कॉन्सेंट्रेटिंग टू वर्ड्स योर स्टडीज एज बिकॉज योर थर्ड यू टी टेस्ट आर गोइंग टू कम नाउ टूडे विल डू लेसन नंबर ट्वेल्व लेटस मेक अ मैप तो लेसन का नाम क्या है बेटा लेटस मेक अ मैप यानी चलो एक मैप मैप मीन्स क्या नक्शा आप सबने देखा ही होगा इंडिया का गुजरात का या और भी बहुत सारी कंट्रीज का वर्ल्ड का भी देखा होगा आपने हमारे स्कूल में भी है यस तो वो होता है मैप अब आपको क्या करना है मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स इन द क्लासरूम पहले आप लिस्ट बना लो कि आपकी क्लासरूम में क्या क्या है तो क्लासरूम का इमेजिन करो कि जैसे ही हम क्लास में एंटर होते हैं तो बेंच है ब्लैक बोर्ड है सॉफ्ट बोर्ड है डस्टबिन पड़ा है टेबल है चौक्स हैं चौक बॉक्स है इन सारी चीज़ों की लिस्ट बना लो राइट द नेम्स ऑफ देयर क्वान्टिटी एंड गिव अ सिम्बॉल टू ईच आइटम अब क्वान्टिटी लिखो कि कितने हैं फिर वो बनाओ जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बना रखा है टेबल ऑलरेडी लिखा था तो वन यस टेबल होता है चेयर ब्लैक बोर्ड बेंच डस्टबिन फैन स्विच बोर्ड सॉफ्ट बोर्ड तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है और साथ में ड्रॉ भी करनी है आई होप इट इज क्लियर नाउ टर्न द पेज नाउ हियर वॉट यू हैव टू डू लेट द स्क्वायर बिलो रिप्रेजेंट द क्लास ये जो स्क्वायर दिया हुआ है इसमें आपको क्या करना है अपनी क्लास ड्रा करनी है कि आपकी क्लास कैसी है अब देखो बेटा आप सबको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैंने कुछ चीज़ें ड्रॉ कर दी है यहाँ पे ब्लैक बोर्ड है मैंने एक बेंच ड्रॉ कर दिया है इस पेज में जितने बेंच आ रहे हैं उतने बेंच आप ड्रॉ कर दीजिए और ड्राइंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए ठीक है फिर उसके बाद में यहाँ पे डस्टबिन रखा है मैंने यहाँ पे अगर आपको ध्यान हो तो बैक साइड में क्या होता है सॉफ्ट बोर्ड सॉफ्ट बोर्ड लगाया है एक छोटा सॉफ्ट बोर्ड भी है जो कि क्लास के एंट्रेंस यहाँ से गेट है तो वहीं पे सॉफ्ट बोर्ड भी होता है तो ये सारी चीजें आपको ड्रॉ करनी है और उसमें आपको अच्छे से कलर करना है नीट एंड क्लीन रखना अपनी बुक को डर्टी मत करना बेटा अगर कलर नहीं भी करना हो तो बेंचेस जरूर ड्रॉ करना सिर्फ आपको यहाँ पे बेंचेज ड्रॉ करने हैं ठीक है ठीके? इस पेज में और कुछ भी नहीं करना है नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज अब इस पेज में क्या करना है आपको नाउ हियर यू कैन सी वॉट इज रिटर्न माई स्कूल यानी मेरा स्कूल अपना स्कूल कैसा है वो ड्रॉ करना है तो उसमें ज्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है मैंने देखो आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए थोड़ी सी चीजें ड्रॉ की है जैसे स्टेज यहाँ पे एक स्क्वायर बना के लिख देना स्कूल यहाँ पे तो ग्राउंड है और पीछे देखो ऐसे करके आई हैव रिटन गार्डन तो गार्डन में आप ग्रीन कलर कर देना और स्कूल की बाउंड्री में क्या है यस yes, ट्रीज पेड़ पौधे तो वो स्कूल की बाउंड्री बना देना इधर एक गेट ड्रॉ करना ड्रॉ करने के बाद आपको उसमें कलर करना है बिल्कुल नीट एंड क्लीन कलर आई विल सजेस्ट वैसे तो आपकी चॉइस है टू यूज पेंसिल कलर बिकॉज द पेपर इज थिन अगर आप स्केच कलर डार्क करोगे तो क्या होगा बेटा वो पीछे हो दिखने लगेगा पेपर के नाउ टर्न द पेज हियर वॉट इज गिवन मैप ऑफ रामपुर विलेज एक मैप दिया है वो किसका है रामपुर विलेज का अब देखो ये नॉर्थ साइड है दिस इज वेस्ट दिस इज साउथ एंड देन ईस्ट साइड अब क्या क्या है ये हमें दे रखा है रीवर पोस्ट बॉक्स बर्ड फीड ये सब चीज़ें इसमें दे रखी हैं तो वो हमें अच्छे से ध्यान से देखनी है बस और कुछ भी नहीं करना है इस पेज में नाउ अगेन आई टर्न द पेज फिर से टर्न करके मैं आपको शॉर्ट में समझा दूँगी यहाँ पे आपको स्कूल का बनाना है सिंपल सी एक स्क्वायर बिल्डिंग बना देना यहाँ पे गेट बना देना एंड कलर इट हियर इज द गार्डन एंड ओवर हियर आपके क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड सॉफ्ट बोर्ड सब आ गया है डस्टबिन ओनली मेक बेंचेस यहाँ पे सिर्फ बेंचेस बनानी है ओके एंड अगेन ओवर हियर ब्लैक बोर्ड बेंच डस्टबिन ईच एंड एवरीथिंग इज रिटन ड्रॉ एंड राइट इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग नाउ दिस इज़ ओनली द लेसन यही है इस लेसन में नक्शा अपनी क्लासरूम का क्लासरूम में कितनी चीज़ें हैं फिर उसको ड्रॉ किया है स्कूल का स्कूल के आजू बाजू क्या है गार्डन है स्टेज है ट्रीज है उसको ड्रॉ करना है दैट सेट आई होप ईच एंड एवरी थिंग इज़ क्लियर टू यू ऑल थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे